أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

उसके असबाब और सदबाब व इलाज के सिलसिले में सिलसिलावार दुरोस चल रहे हैं आज हम लोग मालूम करेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सारे फितनों में से एक अहम और एक बुनियादी फितना ईमान का फितना हज़रा कल हमने ये मालूम किया कि हमारी ज़िंदगी ख़ुद एक फितना है एक आजमाइश है ज़िंदगी में जो फितने आते हैं या इंसान को ख़ास से मोमिनों को अपनी जिंदगियों में जिन फितनों से दो चार होना पड़ता है उनमें से एक अहम फितना है फितना ईमान ईमान का फितना ईमान की आजमाइश और इन्हीं को सामने रख कर मैंने आपके सामने वही सुरा अनकबूत, सुरा नंबर उनतीस और आयत नंबर एक दो और तीन पढ़ी है अल्लाह ताला ने ही ती लाम मीम असिब अन्नास एय्य तरक़ू वहुम ला अन्नाओमलायफ्तनू क्या लोगों ने यह सोच लिया ये तसवर कर लिया ये गुमान कर रखा है अयु तरको कि उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा आकुल आमन्ना इस बात पर के उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया ईमान लाने के बाद उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा क्या लोगों ने यह सोच रखा है बात ऐसी नहीं है यल्ला ताला का कानून का है क़ानून इलाही है जो अज़ल से लेके चले आ रहा है अब तक चलेगा और वो हैं वल फता अमिन कबल हिम इनसे पहले वाले लोगों को हमने आज़माया फितने से दो चार किया फितनाएँ ईमान में इनको मुब्तला किया गया क्यों दीन सौदा खू ताकि अल्लाह तला पहचान करा दे शनाख्त कर दे जाहिर कर दे इतम हजत कर दें उन लोगों के बारे में जो अपने ईमान के दावे में दावा ईमान में सच्चे हैं और कौन हैं जो अपने दावा ईमान में ईमान के दावे में झूठे हैं वाल अलमन्लकाबीन हजरात जिंदगी में ईमान का फितना बड़ा फितना होता है और इसमें डटे रहना जमे रहना बड़ा अहम होता है और ये ईमान का फितना शुरू से लेकर आज तक चले आ रहा है क्यामत की सुबह तक चलता रहेगा आप अगर मुख्तसरन इंसानी तारीख को देखें दुनिया की हिस्ट्री और तारीख पे नजर डालें तो आदम सलाम से लेकर ईमान का यह फितना शुरू हुआ कयामत की सुबह तक यह फितना चलेगा ईमान का फितना चुनान्चे आदम सलाम को भी आजमाया गया ईमान के फितने से उनको भी गुजरना पड़ा अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा जन्नत में रखने के बाद शैतान को उनके पीछे लगा दिया गया यही अल्लाह की आजमाइश होती है और आजमाइश में अल्लाह का ये कानून याद रखना हम इससे पहले भी मालूम इसके बाद भी मालूम करेंगे कि अल्लाह जिस चीज़ से जिसको या किसी को आजमाना चाहता है अल्लाह को जिस इंसान को जिस चीज़ से आज़माना मकसूद होता है वो चीज़ उससे करीब कर देता है वो चीज़ उससे करीब कर देता है बन इसराइल से कहा कि मछली की शिकार नहीं करना हफ्ते के दिन और उसी दिन मछलियां और ज्यादा उबल उबल के आ जाया करती थी अरब के लोगों को शिकार का बड़ा शौक था कहा कि देखो एहराम बांध लेने के बाद शिकार ना करना एहराम बांधने के बाद परिंदे शिकारी जानवर उनके करीब आ जाया करते थे अल्लाह ने जालूद के खिलाफ लड़ते हुए तालूद के साथ जाते हुए बन इसराइल से कहा देखो प्यास लगी है लेकिन सिर्फ चुल्लू भर पीना पानी ज्यादा लेना नहीं और पानी के ढेर सारा वहां पर दे दिया यही अल्लाह का कानून होता है अल्लाह जिस चीज़ से जिसको आजमाना चाहता है अल्लाह को मकसूद होता है इसकी आजमाइश इसके जरिए से हो तो उस चीज़ की चाहत और मोहब्बत उसके दिल में डाल भी देता है और फिर अल्लाह ताला उस चीज़ को उसके लिए आसान और करीब भी कर देता है अब अल्लाह ताला आजमाता है आदम से कहा कि देखो ये दरख्त के पल खाना नहीं और वो दरख्त के फल वहां करीब भी मौजूद हैं शैतान को वहां तक रसाई भी दे दिया या शैतान को रगो रेशे से चलने की ताकत भी दे दी और कहा कि देखो शैतान के राहों पे चलना भी नहीं यही आजमाइश है इसी को फितना कहा जाता है यही आजमाइश है कि शैतान हमारे रगो रेशे में चल भी रहा है और अल्लाह ने फरमाया शैतान या वाला तभी खुतवा तैतान शैतान, शैतान के राहों पर चलना नहीं आदम की आजमाइश हुई दुनिया में उनको उतार दिया गया यहां पर भी आजमाइश हुई औलाद के जरिए से उनकी आजमाइश हुई और उनके औलाद की भी ईमान की आजमाइश हुई गर्स सलाम से लेकर देखो सलाम की आजमाइश हुई फिर तो उसके बाद इब्राहिम की आजमाइश हुई लूत सलाम की आजमाइश हुई इसी तरह से साल सलाम सलाम और दीगर जितने अंबिया हैं ईसा मूसा मोहम्मदी सल के वसलम तक हर एक की आजमाइश ईमान की आजमाइश हुई और फिर अहले ईमान की भी आजमाइश हुई अहले ईमान की भी आजमाइश हुई अंबिया के साथ साथ अहले ईमान की भी आजमाइश हुई चुनान हम देखते हैं कि बन इसराइल में कितने ईमान की आजमाइश हुई इब्राहिम के आग में डाला गया ईमान की आजाबूद जो ईमान लाने के बाद उनके ईमान की आजमाइश हुई ईमान के जरिए से उनको आजमाया गया कि ईमान में खड़े रहते हैं या नहीं ईमान में डटे रहते हैं या नहीं अल्लाह ताला ने सूरतलबरूज में क्या फरमाया ईमान से जो इंतकाम ले रहे हैं क्यों इंतकाम ले रहे हैं ईमान की वजह से अल आई उमिन अजीज अलहमीद ये लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं वाला जबरदस्त अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से इनकी आजमाइश हो रही है और यही लफ्ज आगे भी इस्तेमाल हुआ। यही इस्तेमाल हुआ यकीन वो लोग जिन्होंने को आजमायादी फतिनद मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को जिन लोगों ने आजमाया और उन लोगों ने तोबा तोबस्तफार नहीं किया तो उनके लिए दर्दनाक अजाब देखती हुई आग और चाहन का अजाब है आखिरत में और जो ईमान अपने ईमान में खरे उतरे डटे रहे जमे रहे आमिल। आमिल। ये बहुत बड़ी कामयाबी है

होती रही है, हर दौर में होगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अहले ईमान की आजमाइश हुई कैसे कैसे आजमाइश नहीं हुई बिलाल हबशी को याद करो खब्बा बिन अर्थ को याद करो दीगर और साबियात को याद करो आले यासर को याद करो याद करो दुनिया की इस्लामी तारीख की पहली शहीदा सुमैर रजी अल्लाह तन और उनके खानदान आले यासिर को याद करो अल्लाह अकबर ये सब आजमाइशें हैं फ्र के जरिए से कैसी उनकी आजमाइश हुई कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा उनको उनके बच्चों को कत्ल किया गया छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया और उनके औरतों को गुलाम बना लिया गया बाना लिया गया याद रखिए मेरे भाइयों हर जमाने में ईमान और अहले ईमान की आजमाइश होगी और ईमान की आजमाइश कैसे होगी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद अन्नास इब्तिलाअन अल अम्दिया थुम्म अल अम्थल फल अम्थल सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया की हुई क्यों ईमान के हिसाब से थुम्म अल अम्थल पर उसके बाद ईमान के हिसाब से जिसका ईमान जिस कदर ज्यादा होगा उसकी आजमाइश भी उसी कदर ज्यादा होगी तो ईमान की आजमाइश है ईमान का फितना है हर दौर में हुआ है आदम से लेकर ई दम तक ये सिलसिला चल रहा है और आज के जमाने में मेरे भाइयों याद रखें ईमान की बड़ी कठिन आजमाइश चल रही है और आज के जमाने में इस ईमान की आजमाइश नबी ने क्या फरमाया आखिरी जमाने में ईमान पर डटे रहना ऐसा होगा कल काबिज अल जमरा जैसे अंगेठी को आग को अपने हथेली में हाथ में रखने के बराबर होगा आज हालात ऐसे ही कुछ हैं हर जमाने में याद रखे मेरे भाइयों इब्राहिम सलाम के जमाने में भी आग में डाला गया ऐसे ही आज भी ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इल्लल्लाह आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा याद रखे मेरे भाइयों आज ईमान पे डटे रहना जमे रहना ईमान की आजमाइश में और इबिला में कामयाब होना और उसमें डटे रहना आग को अपने हथेली में रखने के बराबर है नबी ने ही फरमाया कल काबिद अल जमरा लेकिन इस ईमान की आजमाइश में हमें खरे उतरना है आज हुकूमतों की जानिब से सारे उम्मतों की जानिब से अलकुफर वाहिदा होके मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं आए दिन नए नए कानून बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है गोदी मीडिया का किस तरह से किरदार और रोल है सारी दुनिया को अब देख रहे हैं अहले ईमान के खिलाफ कैसे ये लोग आजमाइश के लिए तुले हुए हैं ईमान की आजमाइश आपसे ढकी छुपी नहीं है हर दौर में है आज भी हो रहा है ईमान की वजह से अगर आजमाइश हो तो हमें और ज्यादा ईमानदार बनना चाहिए ईमान में डटना चाहिए आइए इसका इलाज आप मालूम करते हैं कि ईमान का फितना फितनाए ईमान ईमान की आजमाइश का इलाज क्या है सबर इसकामत अजीमत डिटरमेंट डिटर्मिनेशन आदमी डट जाए डम जम जाए और इस्तेमत दिखाए साबित कदमी दिखाए अल्लाह ताला ने फरमाया तरमायादी यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है ईमान लाने के बाद इस पे डट गए जम गए तलिमी का फरिश्ते नाजिल होंगे उनकी जिंदगी में भी ओहद और बदर में फरिश्ते नाजिल हुए और अहले ईमान की हिफाजत के लिए बारहा कई मकामा पर फरिश्तों का नजूल का सबूत मिलता है तारीख़ के सफ़ात बेशुमार है वक्त अभी नाकाफी है अगर बयान किया जाए बेशुमार होंगे सही बखारी की रिवायत है हजरत बिन आसिम वफ़ात से पहले अल्लाह से दुआ की अल्लाह तू मेरी लाश तक काफिरों को रसाई ना देना काफिरों ने काफिरों ने जब उनकी लाश की तलाशी शुरू की अल्लाह ने शहद के मखियों को भेज दिया और उनके लाश की हिफाजत के लिए इन आमनो अल्लाह तिफा करता है अहले ईमान की तरफ से जगह पर अल्लाह ने अल्ला निकोकारों के कितने ऐसे वाकयात हैं रसोलम ने फरमाया ah, पास दुनिया हो जाए उससे खतरनाक है दुनिया बर्बाद हो जाए अल्लाह के लिए आसान है लेकिन एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह के पास बहुत अहम है तो मुसलमान की जाने रायेगा नहीं जाती हैं याद रखो मेरे भाइयों याद रखना मेरी बहनों कि अगर ईमान की वजह से आजमाइश हो तो और डट जाना जम जाना डट जाएंगे जम जाएंगे का। ने जब अपनी बीवी आसिया को आजमाया उन्होंने अल्लाह से रिक्वेस्ट किया अल्लाह ताला तेरे पास मेरे लिए घर बनाना और जालिम कौम से नजात देना अल्लाह ने फरिश्तों का नजूल किया उनको दिखाया ये तुम्हारा ठिकाना है अल्लाह अकबर ऐसे हजारों वाकत आपको मिलेंगे

इसकामत सबर डट जाना और ईमान और दीन की वजह से आजमाइश हो तो और ज्यादा ईमानदार दीनदार बनना है दीन बेजार ना होना ईमान से हटना नहीं क्योंकि आहले कुफर चाहते ही यही है आहले कुफर चाहते ही यही है कि आपको हमें दीन से बेजार कर दिया जाए दीन से दूर कर दिया जाए ऐसा ना हो ना खुलासे के तौर पर आज के दर्ज का खुलासा ये हुआ कि ईमान फितना है ईमान ईमान का फितना बड़ा कठिन होता है हर जमाने में चले आ रहा है चलता रहेगा आदम से लेकर तक ये फितना है कयामत की सुबह तक ये सिलसिला रहेगा जब दज्जाल आएगा ईमानदारों का बड़ा फितना होगा बड़ी आजमाइश होगी आजूज माजूज आएगा आखिरी जमाने में बड़ा फितना होगा आजमाइश होगी और कैसे आजमाइश और कैसा फितना कि जब याजूज और माजूज का फितना होगा ईसा मौजूद होंगे कहेंगे कि देखो इनके साथ मुकाबले, का हमें, हमें ताकत नहीं, मुकाबले की हमें ताकत नहीं है सख्त नहीं है चलो पहाड़ों में चले जाते हैं इससे एक बात ही मालूम हुई है जब मुकाबले की ताकत ना हो तो खाम में मुकाबला आरई की कोशिश ना करना है बल्कि अपने सेफर अपने ईमान और दीन को बचाकर इस्तकामत दिखाकर हिफाजत फरमाना है दीन पे डटे रहना दीन में जमे रहना चाहिए दोब्ल ला आलमीन सल्ला तम और आपको कहने सर सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ीक़ा फ़रए आमीन वाख्रदादिल्लाबी